दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम एक विंडोज 11 पीसी पे किसी भी फाइल का जो एक्सटेंशन है उसे किस तरह से शो करवा सकते हैं, जिससे कि हम किसी भी फाइल्स को बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। वेल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फिर इस वीडियो को बिना स्किप कर दिए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं दोस्त पॉल, आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो चलिए विंडोज 11 फाइल एक्सप्लोर के मदद से इस काम को हम किस तरह से कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको विंडोज फाइल एक्सप्लोर को ओपन करना है। फिर विंडोज फाइल एक्सप्लोर ओपन होने के बाद आप स्क्रीन पे मेनू बार पे देखिए एक ऑप्शन है व्यू, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। उसके बाद इन सभी ऑप्शंस में से जाना है शो ऑप्शन पे। फिर इन सभी नए ऑप्शन पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है फाइल नेम एक्सटेंशंस, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। एंड वी आर डन, अब आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हो। अब चलिए एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फाइल नेम का जो एक्सटेंशन है वो शो होने लगे हैं, जो कि है .txt। अब अगर आप चाहते हैं इस फीचर को डिसेबल करना, तो इसके लिए आपको अगेन विंडोज फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है। फिर मेनू बार में से व्यू मेनू, देन शो, उसके बाद फाइल नेम एक्सटेंशंस पे क्लिक कर लीजिए। एंड वी आर डन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस फाइल पे जो एक्सटेंशन था वो गायब हो चुके हैं। अब इसी काम को अगर आप चाहें तो विंडोज 11 रजिस्ट्री एडिटर की मदद से भी कर सकते हो। तो चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं जानकारी के लिए। तो इसके लिए आपको सिंपली विंडोज सर्च बॉक्स पे चले जाना है और टाइप करना है रजिस्ट्री। फिर सर्च रिजल्ट में से रजिस्ट्री एडिटर पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे जो पाथ है इसे आप डिलीट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो पाथ हमें डालना है वो ये वाला, हमें सिंपली इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके कॉपी की हुई पाथ को पेस्ट। वैसे ये पाथ आपको हमारा वेबसाइट techtipsexpress.com पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हो। ओके, अब एंटर प्रेस कर लेना है अपने कीबोर्ड में से। फिर इस विंडो की लेफ्ट साइड की पैनल पे देखिए एक रजिस्ट्री है, हाइट फाइल ext। आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक करते हुए इसका जो वैल्यू डाटा विंडो है उसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू डाटा फिलहाल 1 पे सेट है, आपको सिंपली इसे चेंज कर लेना है 0 से। फाइनली ओके इस चेंज को सेव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन इस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो शो होने लगे हैं, जो कि है .txt। ओके, अब इसे भी पहले स्टेट पे ले जाने के लिए आपको इसी पथ पे आना है और अगेन हाइट फाइल ext पे डबल क्लिक करते हुए इसका जो वैल्यू डाटा विंडो है उसे ओपन कर लेना है। अब इस फीचर को डिसेबल करने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू डाटा है इसे हमें रिप्लेस कर देना है 1 से। एंड ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हैं फाइल एक्सटेंशन अगेन गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम एक विंडोज 11 पीसी पे किसी भी फाइल का जो एक्सटेंशन है उसे किस तरह से शो करवा सकते हैं, है ना बहुत ही सिंपल। तो दोस्तों आप भी एक बार ट्राई जरूर करें और नीचे कमेंट में शेयर जरूर करें आपका एक्सपीरियंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आपके मन में विंडोज 11 को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं, और इसी तरह विंडोज 11 वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।